सौदा आपका में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश की दिग्गज ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल को डीजल, केरोसिन और रसोई गैस पर 25,000 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी का अनुमान है। कंपनी ने सरकार से पूरी अंडर रिकवरी की भरपाई करने की अपील भी की है। हमारे संवाददाता शिशिर सिन्हा ने इंडियन ऑयल के चेयरमैन RS बुटोला से खास बातचीत की। पहली तिमाही फर्स्ट क्वार्टर जो है वो अगले 20 दिन में खत्म हो जाएगा। किस तरह की अंडर रिकवरी, खासतौर पर अगर मैं किचन फ्यूल की बात करूँ, तो किस तरह की अंडर रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर इस क्वार्टर में? हम लोग अगर आज के ही प्राइसेस वगैरह ज़ूम करें तो हमारे हिसाब से जो है अंडर रिकवरी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और IOC की अपनी अंडर रिकवरी जो है हमारे हिसाब से अराउंड 25,000 करोड़ के करीब होनी चाहिए। 0.75% का जो फॉर्मूला, चूँकि ये कहा गया कि वन ऑफ है, ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, उसके बाद जो वन थर्ड का जो फॉर्मूला है वो कंटिन्यू करेंगे। इस साल अभी तक सरकार की ओर से आपको कोई ऐसा इंडिकेशंस है कि ये 38.75 का फॉर्मूला लेंगे या 33%? नहीं, देखिए सरकार की तरफ से ऐसा कोई हमें इंडिकेशन नहीं है, और जैसे मैंने बताया कि परसेंटेज एक अपनी जगह है कि वो 33 रहे या कोई 33 रहे, और ऐसा भी नहीं है कि कई ऐसे साल भी रहे हैं कि जब गवर्नमेंट ने हमें 100% कंपनसेशन भी दिया। एक साल ऐसा था कि जब गवर्नमेंट ने हमें 100% अंडर रिकवरीज का कंपनसेशन दिया, तो मैंने बताया क्योंकि अब डिफरेंशियल बहुत, एब्सोल्यूट जो अंडर रिकवरी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। इस साल में पहले क्वार्टर में 25,000-26,000 करोड़ रुपया, पिछले साल के पूरे साल के मुकाबले में 43,000 करोड़ के मुकाबले में आधे से भी ज़्यादा है, यानी एक क्वार्टर में ही। और अगर यही वो रहा तो ये 90,000 करोड़ या 1,00,000 करोड़ पहुंच सकती है। तो उसका अगर हमें, अगर आपका पुराना फार्मूला भी हम सोच लें कि हम लोगों को 8-8.5% या 9% और MS को मिला के मान लो 10-11% रहे, तो उतना हम लोगों के रिफाइनरी में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी और जो हमारे खर्चे हैं और जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं कैपिटल एक्सपेंशन के, इतना कुशन नहीं है कितना ज़्यादा हम ले पाएँ। हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है हमारी जो रिक्वेस्ट है कि 100% हमें रिफाइनरीज को जो है अंडर रिकवरी का वो हो, कंपनसेट हो, तो वो हमारी सर पहली जून को जो आपका पेट्रोल पे MS के ऊपर जो आपकी अंडर रिकवरी थी वो लगभग 1.15 रुपये की थी, और आपका डिजायर्ड जो आप चाहते थे कि 1.35 रुपये का हो। अब चूंकि क्रूड 99 के लगभग में, आज की तारीख में अगर हम देखें तो 99-98 के लगभग में आ गया था, तो ऐसे में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट फोर्टनाइट है वहाँ पर MS आपको एक क्वेश्चन दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है? क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं अगर अगले 20-25 दिन में वो ज़्यादा रहे इस लेवल से, तो हो सकता है कि डिफरेंशियल बढ़ भी सकता है। 1.35 रुपये का जो रिटेल प्राइस पे दाम कम है वो शायद बढ़ भी सकता है, पर हम लोगों को पूरी ये उम्मीद है कि क्योंकि थोड़ा कम होने शुरू हुए, 126 चला गया था आपको याद होगा, 105-6 भी आ गया था, तो हमें लगता है कि इस लेवल पे कहीं ये सेटल करेगा और बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल नहीं होना चाहिए। सर अगर फर्स्ट क्वार्टर की हम GRM की बात करें, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? हमें लगता है कि इस क्वार्टर में GRM जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, हो सकता है कि $3 से थोड़ा बहुत कुछ सेंट, 3 से 3.25 के बीच में आप कह सकते हो सकता है। ओके सर, पारादीप के बारे में अभी तक जो आपका प्रोग्रेस रहा है, क्या वो हम कह सकते हैं कि जो आपने डेडलाइन दी थी, जो आपने टाइमलाइन दिया था, वो उस पर फॉलो हो जाएगा या थोड़ा सा उसमें डिले हो सकता है? फर्स्ट फेज यानी कि जो है उसका मार्च 2012 का कम्प्लीशन है, और जो हमने कहा है सारी यूनिट्स वगैरह जो है वो नवंबर तक जो है कंप्लीट हो जाएंगी, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये शेड्यूल हम मेंटेन करें। हालांकि मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है और हमारे सामने कई दिक्कतें आ रही हैं, और एक सबसे बड़ी वहाँ जो दिक्कत रोज़मर्रा की होती है कि कुछ वर्किंग आवर्स जो है हम लोगों के जो है कुछ नई नई तरह की कई बार एजिटेशन भी चलती हैं, जिसके कारण जो है काम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर उसको गियर अप करने में टाइम लगता है, तो एक तो उसके कारण थोड़ा सा जो है नंबर ऑफ डेज का, इफेक्टिव जो प्रोडक्टिव डेज हैं उनका नुकसान हो रहा है, और दूसरा जो है कि क्योंकि ग्रीन फील्ड साइट है और कुछ प्रोजेक्ट कुछ
प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स में जो है जो थोड़े अभी पीछे चल रहे हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले आने वाले महीनों में वो टाइम कंप्रेस हो जाए। तो आज की डेट में अगर ये पूछा जाए तो जो मुझे हमारे जो इंजीनियर्स हैं और जो एग्जीक्यूटिव हैं जो इस काम को देख रहे हैं वो यही विश्वास दिलाते हैं कि नहीं, हम किसी तरह से जो है जो भी कंप्रेस करें, जो अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, कुछ महीने पीछे चल रहे हैं, इसको कंप्रेस कर पाएंगे और जो हमारा मार्च 2012 का जो टारगेट है उसको अकॉम्प्लिश कर लेंगे। सर, रिटेल को लेकर के पहले आप जितने एग्रेसिव थे, इस समय में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपने वहाँ पे अपने टाइट कर रखे हैं हाथ? ये जरूर बात से आपकी सही है कि शायद और कंपनियों के मुकाबले में पिछले साल जो है हम लोगों का एक्सपेंशन इतना नहीं हुआ। मेरा ये रहेगा कि डायरेक्शनली हम दोनों ही एक्सपेंड भी करेंगे और अपने एग्जिस्टिंग सेटअप को कंसोलिडेट भी करेंगे, ऑटोमेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, जो एग्जिस्टिंग आउटलेट्स हैं उनको थोड़ा ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। पिछले साल का मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट हमने 900 आउटलेट खोले थे, जिसमें कि 65% के करीब, मेरे ख्याल से जो नंबर 575 होना चाहिए शायद, रूरल एरियाज में था, किसान सेवा केंद्र का था। तो आप देख रहे थे, शिशिर सिन्हा बात कर रहे थे IOC के चेयरमैन RS बटोला से। और अगर आज आप देखें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, तो सारी की सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज HPCL BP